आपसे बात करते समय सामने वाले इंसान ने आपके नोज पर हाथ रखा क्योंकि आपके मुंह से बदबू आ रही है और फिर सिचुएशन अचानक से ऑफवर्ड हो गई, तो दोस्तों आपको बैड ब्रेथ है। ये मुंह के अंदर कैविटी या कोई भी डेंटल प्रॉब्लम होती है तो होता है। बैड ब्रेथ पेट खराब होने से भी हो सकता है और अगर आपके एक्सर्शन मोशन बराबर नहीं होंगे तो भी आपको बैड ब्रेथ हो सकता है। तो चलिए अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब देखते हैं कि बैड ब्रेथ को हटाने के लिए क्या उपाय हैं। एप्पल सीडर विनेगर, जैसे कि आजकल एप्पल सीडर विनेगर के फायदे बहुत पता चल रहे हैं, वैसे ही एप्पल सीडर विनेगर का एक और खासियत है कि आपके मुंह से जो स्मेल आती है वो निकाल देता है। एप्पल सीडर विनेगर का 2 टेबलस्पून लीजिए, उसे 1/4 पानी के कप में मिक्स करके उसे गागल कर ले 15-20 मिनट के लिए। कोकोनट ऑयल, 1 स्पूनफुल कोकोनट ऑयल लीजिए और उसे सीधे गागल कर 20 मिनट तक गागल करने से कोकोनट ऑयल माउथ फ्रेशनर जैसा काम करता है और आपके बैड ब्रेथ को निकाल देता है। यूकेलिप्टस ऑयल, नीलगिरी का पेड़ यूकेलिप्टस का तेल स्पून भर लें और गागल करें। वैसे तो सहज रूप में नीलगिरी के पेड़ का तेल मेडिसिन में बैड ब्रेथ ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, तो अगर आप ये तेल लेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। फेनल सीड्स, सौफ या फेनल सीड्स ऐसा माउथ फ्रेशनर है जिसे हर कोई जानता है। सौफ हर एक रेस्टोरेंट में रहता है। आप सौफ का पाउडर या सीड्स भी ले सकते हैं। सौफ आपके मुंह में सलाइवा इंक्रीज करता है जिसके वजह से आपकी माउथ की स्मेल कम हो जाती है और एक रिफ्रेशिंग न्यू सौफ की स्मेल आती है। जिंजर, जैसे कि हम जानते हैं कि अदरक से कई सारी बीमारी खत्म होती है, वैसे ही अदरक से माउथ की गंध यानी कि स्मेल भी खत्म होती है। अदरक आपके माउथ का रिंसिंग और स्क्रबिंग करता है। ग्रीन टी, ग्रीन टी से आप वेट के अलावा मुंह की दुर्गंध का भी इलाज कर सकते हैं। ग्रीन टी आपके कैविटीज रोकता है, बैक्टीरिया और एसिड लेवल कम करता है, तो आप दांत साफ रखने के लिए भी ग्रीन टी ले सकते हैं। ग्रेपफ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट, जैसे कि बैड ब्रेथ कैविटीज और बैक्टीरिया की वजह से होती है, ग्रेपफ्रूट का सिट्रस एक्सट्रैक्ट आपके माउथ को डिओडोराइज करता है और कोई भी बैक्टीरिया को आगे बढ़ने से रोकता है, इसीलिए आप अपने माउथ को साफ और बैक्टीरिया फ्री रखने के लिए आगे भी इसे यूज कर सकते हैं। लेमन जूस एंड योगर्ट, लेमन आपके मुंह को साफ करके बैड ब्रेथ को खत्म करता है और योगर्ट आपके मुंह में हाइजीन मेंटेन करने की कोशिश करता है। ध्यान रखिए कि लेमन जूस और योगर्ट अलग अलग लेना, साथ में लेने पर बहुत खराब टेस्ट आता है। बेकिंग सोडा एंड लेमन जूस, बेकिंग सोडा और लेमन जूस बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बैड ब्रेथ को दूर करने के लिए। ये आपको बैड स्मेल खत्म करने के अलावा एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक भी देता है। सॉल्ट वाटर, सॉल्ट वाटर लीजिए और दिन में 2 बार गागल करने से आपके बैड ब्रेथ खत्म हो जाएगी। याद रखें कि सॉल्ट वाटर से सिर्फ गागल करें, अगर आप इसे पीने जाएंगे तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप बैड ब्रेथ से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी जानकारी है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।